सब, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज तो मैं वैसे भी बहुत बढ़िया होंगी क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और मैं दिखाती हूँ, मोहित ने मेरे लिए डेकोरेशन करी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे पति ने मेरे लिए डेकोरेशन करी है। डेकोरेशन देखो भाई, यहाँ तक बलून लगा है, यहाँ तक। बताओ भाई, इतने सारे। तो यहाँ पे आ गया है हमारा केक। ये देखो हमारा केक आ गया है, मैं आपको अपना केक दिखाती हूँ, कितना प्यारा केक लेके आए हैं। हमारा केक आ गया बट हमारा चक्कू खो गया। अब चक्कू ढूंढो, चक्कू ढूंढो, मिशन मिशन चक्कू ढूंढो। चलो 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 चलो, ये मनोज वाला डायलॉग तो मेरी हर वीडियो में आ जाएगा। चलो 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 चलो, तो अभी हम करते हैं केक कटिंग और मैं आपको बाद में, और बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये देखो हमारा केक, मेरे बेटा मुझे आरती दे रहा, देखो अभी। मम्मा को आरती दे दो, आरती दे दो मम्मा को आरती। कुकू मुझे आरती दे रहा है, देखो। बस बस बस, लो दे दो, आरती दे दो बस। थैंक यू, इतना बड़ा मेरा बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. गिफ्ट मिला है, कितने प्यारे कपल मिले हैं। थैंक यू। कुकू ने क्या कर दिया मेरे केक का। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी हम रेडी हो गए हैं, एक्चुअली हम लेट हो गए। एक्चुअली लेट हो गए। अब आप बोल रहे होंगे कि तो तुम्हारा हर बार काम है, नहीं एक्चुअली हम हो ही गए लेट। पता है क्या, सुबह जल्दी उठ गए थे तब भी लेट हो गए। और अभी हम निकल रहे हैं, मैंने डाला है कुर्ता। कुर्ता देखो, हमने दोनों ने मैचिंग मैचिंग डाला है। मैंने डाला है, मेरे तो क्या है, आपने मेरी कॉपी करी। ठीक है, मेरे पास एक ही शर्ट थी, आपके पास और कपड़े ही नहीं। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी भाजो। तो अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए, छोटे से सेलिब्रेशन के लिए। फिर मैं इवनिंग में दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी जगह आपको, बहुत अच्छी जगह। अभी हम आए हैं केले लेने के लिए। हम सोच रहे हैं कि बच्चों में केले और कुछ सामान वगैरह बांट दें, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ये काम करके ना, कि भाई मतलब अपना बर्थडे है बट किसी और को आप अगर खुशी दो तो उसमें सच में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। हम ये था कुकू, इसको नींद नहीं आ रही है और ये सो नहीं रहा। देखो मेरे बेटे ने भी ब्लू ही पहना है, हमने सब ने ब्लू ब्लू डाला है।
तो अभी देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। और मेनली दिखाने का पर्पस ये है, पर्पस ये नहीं है कि हम आपको इस वजह से दिखा, मैं आपको इस वजह से दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब कि मैं ये कर रही हूँ। मेनली पर्पस ये है कि आप लोग भी एक बार करके देखना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार किया है, सच में बहुत शांति मिलती है, मन को इतना अच्छा फील होता है, मतलब कभी कभी तो रोना आ जाता है ये चीज़ें करके ना, कि हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि जिससे हम दूसरे को खुशी दे सकें। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, सच में बहुत अच्छा लगता है, सच में। यहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, अभी देखो ये कितने, मतलब इनके फेस पे तुम खुशी देखना, कितनी खुशी आएगी, बस वो उसी खुशी की वजह से मैं बोलूंगी कि आप लोग भी किया करो, ये अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। देख रहे हो, खुश है इंसान, इतना काफी है। कौन सी क्लास में, फोर्थ में, स्कूल से आ गए? कुकू लो भैया को दे दो, बेटू कुकू लेने के लिए लो, बिस्किट भी दो एक दे रहा। एक मिनट रुको, भूखी लग रही है ना? नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ आप लोग पढ़ते हो कौन कौन सी क्लास में? सरकारी। सरकारी स्कूल में कौन कौन सी क्लास में? फोर्थ में। कैसे पढ़ाते, अच्छे पढ़ाते? अच्छे से पढ़ाई करना। अभी हम आ चुके हैं बांट के, जो जो हमें बांटना था, और अभी हमारे पास कुछ सामान बचा है अभी भी, ये नहीं कि हम सारा बट गया, थोड़ा थोड़ा सामान बच रहा है, तो वो सोच रहे हैं हम कि रास्ते में जाते हुए जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे जाते हुए बांट देंगे। बाकी अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी जगह, तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम घर से निकल चुके और अभी हम निकल रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। और कुकू भी सो के उठ चुका है, और ये देखो हमसे कौन मिलने आया था यूनिफॉर्म में ही। अभी आप क्या बोलना चाहोगे, आपने हमें हैप्पी बर्थडे विश किया? क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, हैप्पी बर्थडे है बस। थैंक यू। अभी हमारे साथ में पार्टी में कोई और भी जाने वाला है, उससे मैं आपको वहीं मिलाऊंगी जाके, हमारे साथ कौन जाने वाला है पार्टी में। तो अभी हम जाएंगे वो भैया भाभी और मम्मी पापा के पास, तो वहाँ पे उनसे मिलके तब जाएंगे फिर हम घूमे घूमे करने। अभी हम आ चुके हैं, मम्मी पापा से मिलके आ चुके हैं, अभी हम आए हैं प्राची के घर पे, प्राची को लेने के लिए, प्राची को लेके जाएंगे अपने साथ, और अभी देखना चुटकी बजाते ही हमारे कपड़े चेंज हो जाएंगे। ये हो गए हमारे चेंज। देखो हमारे साथ कौन है, हम नहीं बताएंगे। कल्लू सी कौन है हमारे साथ, ये हमारा शोना है गुंडा, ये मतलब पाचा, इसका नाम है पाचा। पाचा ये हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, अभी मैं दिखाती हूँ हम किधर से जाएंगे। ये कौन सी लोकेशन है गाइस, लोकेशन खो गई। हम आए हैं चंपा गली, देखो कुकू ने डांस स्टार्ट कर दिया। कुकू डांस डांस, हे यहाँ पे काफी सारे हैं रेस्ट्रो, और मतलब आप किसी में भी जा सकते हो, आपने कोई पहले से चूज करके आए हो तो वो आपकी मर्जी है, बेटर है पहले से चूज करके आओ। मेरा सजेशन रहेगा कि मत आना। क्यों? मतलब जैसा वीडियोस में दिखाया हुआ था ना वैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं वैसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल गली है जैसे हमारे गांव वगैरह में होती है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, आप इससे बेटर कहीं और जगह जाओ। हाँ यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे होंगे वो मैं कह सकती हूँ, बट हाँ कोई भी स्पेशल डे ऐसे स्पॉइल मत करना, यहाँ के तो स्पेशल मेरा सजेशन। जब तो ये आए हम यहाँ पे, तो अभी हम आए हैं बेला विया पे, इसकी एंट्री पे ही यहाँ पे ये इन्होंने फोटो के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है इनका, इधर आप फोटो खिंचा सकते हो, ऊपर जाके है इनका मेन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ये आ गया हमारा खाना, व्हाइट सॉस पास्ता,
एंड चिली पनीर। अभी हम और कुछ मंगा रहे हैं, वो दिखाऊंगी बाद में आपको। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि हमें बहुत ठीक ठीक लगा था, मतलब जितना वीडियोस वगैरह में दिखाया हुआ ना इतना कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको अगर एक्चुअल रिव्यूज दूँ तो जैसा कि मैंने देखा गूगल पे इसके फोटोज वगैरह और वो सब, मैं वही सब देख के आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन मतलब उसका तो 1% भी नहीं है जितना मतलब दिखाया गया था उसमें। तो आप लोगों का मन है, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह देख के आना चाहते हो तो आ सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप एरिया देख के आ रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग आओ। आप क्या रिव्यूज देना चाहोगे इसके लिए? हे गर्ल, जीरो जीरो। मैं लड़ी थी यहाँ पे आने के लिए सीरियसली बहुत ज्यादा, बट ये अपने फियांसे से बहुत लड़ी थी कि मुझे अपने बर्थडे पे वहां जाना है, बट क्या कहना चाहोगे? आप क्या बोलना चाहोगे, आपके क्या रिव्यूज है? बस भाई हमें कहा था हमने लिया है, लेकिन नॉट वर्थ इट। अभी हम आए हैं होस्कास विलेज और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का क्राउड। यहाँ का क्राउड तो ठीक है फिर भी मतलब, लेकिन म्यूजिक काफी होगा, वीकेंड भी दिखता है। हाँ क्राउड वैसे यहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ जो होती है वो वीकेंड पे होती है, लेकिन हाँ कि अभी हल्का फुल्का है, म्यूजिक है अंदर काफी। अभी हम आए हैं होस्कास विलेज में सोशल में, और मैं आपको यहाँ का एम्बियंस दिखा रही हूँ। मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ये कैसा है अंदर से, तो वो आप देखो। मतलब सच में पहले मुझे लग रहा था कि मेरा जो बर्थडे है वो ऐसे ही चला गया, बट नहीं, वो इतने सच में स्पेशल कर दिया और वो मुझे सरप्राइजली लेके आए फिर यहाँ पे, वहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं था तो यहाँ पे लेके आए। मैं दिखाती हूँ यहाँ का एम्बियंस। ये देखो ये यहाँ की एंट्री है, अंदर से जाके बहुत बड़ा है ये। ये यहाँ से एंट्री है इसकी। अब मैं दिखाती हूँ अंदर जाके इसमें अंदर से कैसे है। ये देखो ये यहाँ से इसका एंट्री है, एंट्री के बाद अंदर म्यूजिक भी है, ये इसकी एंट्री है। इसका मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा एक्चुअल में। इसमें बाहर जाके भी ओपन एरिया है, स्मोकिंग एरिया वगैरह। आते हो तो आपको यहाँ पे झील देखने को मिलेगी, एम्बियंस बहुत प्यारा है इसका। हमने मंगाया अभी ये, इसका ऊपर का एम्बियंस ये है। ये देखो हॉस्पिटल देखो यहाँ पे ना, ये हॉस्पिटल बेड से ये बनाया हुआ है, और ये सीरियसली बहुत अच्छा है।
मतलब मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ के। होता होगा लेकिन आज नहीं। देखो ये यहाँ पे आगे जाके भी है छतिया पाए, ये